नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया कबाब। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी तो कबाब होने चाहिए ना, तो मैं सोया कबाब बनाने जा रही हूँ। और इसको मैं किस तरह बना रही हूँ ये आप मेरे पूरी रेसिपी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। पूरा मेरा वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सोया कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो सोया कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया 300 ग्राम सोया चंक्स। इसको मैंने करीब 2 घंटे पहले भिगो दिया था और चने की दाल उसमें लगेगी। तो ये चने की दाल भी 250 ग्राम है, तो इसको भी मैंने 4 घंटे पहले सोक कर दिया था, धो के साफ करके और इसको मैंने सोक कर दिया था। तो चना दाल हो गई, सोया चंक्स हो गए भीगे हुए, और कुछ सब्जियां उसमें, जो सब्जियां आपके घर में अवेलेबल हो वो सब्जियां आप डाल सकते हैं। तो मैंने ले लिया प्याज, 2 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, करी पत्ते, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट। ये मैं अदरक और गार्लिक को, जिंजर गार्लिक को छील के और इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और उसमें लगेगा कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने। और अब इनको क्या करना है कि इनको पीसना है मुझे। तो सोया चंक्स को मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सोया चंक्स जो मैंने भिगो रखे थे उसको मैं मिक्सर जार में डाल दिया है। और इसमें मैं 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 ही चम्मच मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है। अब इसको मैं बिना पानी डाले क्रश करना है, इसको बिना पानी डाले इसको चर्न करना है, और सूखा ही चाहिए इसका। तो अब मैं आपको इसको चर्न करके दिखाती हूँ कि कैसा पिसा। ये देखिए मैंने चर्न कर लिया है, और चर्न करने के बाद ये टेक्सचर आया है सोया चंक्स का। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और फिर इसी में चने की दाल मेरे को पीसना। ये देखिए ये सोया चंक्स चर्न करके उसका ये टेक्सचर है। और अब मैं इसी जार में चने की दाल जो मैंने भिगो रखी है 4 घंटे पहले वो पीसूंगी मैं, और उसको भी बिना पानी के ड्राई ही पीसनी है। और इसमें मैं हल्का सा नमक मिर्च डाल के और तब इसको चर्न करूंगी। ये देखिए चने की दाल भी मैंने बिल्कुल ड्राई ही पीस ली है, और ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। इसे पानी ही नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी होने से फिर वो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये मैंने इस तरह पीस लिया है ड्राई। अब इसको भी मैं इसी में निकाल लूँगी जिसमें ये सोया चंक्स पीस के मैंने रखा हुआ है। और इसमें मैं फिर सारे मसाले मिलाऊँगी, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए चना दाल और सोया चंक्स को पीस के ऐसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें सारी सब्जियां मिलाऊंगी, और सब्जियां व्यूअर्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपके घर में, जो आपको पसंद हो वो आप सब डाल सकते हैं। तो मैं इस समय मेरे पास जो अवेलेबल है वो सब्जी में डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 बड़ा प्याज बारीक कतर के लिया है, तो ये डाल रही हूँ मैं इसमें। इसकी बाइट मुँह में आती अच्छी लगेगी। और शिमला मिर्च बारीक काट ली है मैंने, 1 बड़ी शिमला मिर्च ये डाल दिया मैंने। और हरी मिर्च भी डाल रही हूँ मैं, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। इसमें मैं डालूँगी जिंजर अदरक, जिंजर और गार्लिक का मोटा कुटा हुआ ये पेस्ट, ये डाल लिया। करी लीव्स मैंने बारीक काट रखे थे, करी लीव्स डाल रही हूँ मैं।
ये डाल दिया और इसमें मैं सीजनिंग करूँगी, नमक और मिर्च हल्की सी डाल के ही मैंने दाल और जो सोया चंक्स मैंने ग्राइंड किया है तो इसमें मैंने डाल रखा है, फिर भी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर 1 बड़ा चम्मच, आप अपने अंदाज से ले लें। कोरिएंडर पाउडर डाल दिया मैंने और मिर्च, ये मेरी तीखी मिर्च है और मैं इसमें यही मिर्च डाल रही हूँ घर की जो डेली यूज़ होती है, तो ये मैंने 1/2 चम्मच डाल ली। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालें, आपके जो जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा, और मैंने दोनों में डाल रखा है नमक, दाल में और सोया चंक्स में, तो मैं 1/2 चम्मच नमक लिया है इसमें। और इसमें थोड़ा सा लूँगी मैं ड्राई मैंगो पाउडर, ये ले लिया। थोड़ा सा गरम मसाला ये ले लिया, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी मैं 1/4 चम्मच, ये ले ली मैंने। और मैंने घर में जो गरम मसाला पीस रखा है वो भी डालूँगी मैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और इसका टेस्ट अच्छा आएगा, तो ये 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला भी ले लिया है। अब इन सबको मैं मिलाऊँगी, इन सबको मैं हाथ से मिलाऊँगी, हाथ से ही इसको एक डो की तरह तैयार करना है। इस तरह सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें बॉन्ड देने के लिए, बॉन्डिंग आ जाए इसके लिए मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ करूँगी। कॉर्नफ्लोर का आप उतना ही यूज़ करें जितना आप देख लें कि हाँ बॉन्ड हो रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल रेडी है मेरा डो और ये टेक्सचर होना चाहिए उसका। मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और चने की जो दाल डाली है सबसे बॉन्डिंग आती है, तो ये देखिए अब इसको इस तरह बना लेना, इस तरह बना के शेप तो आप कोई भी दे सकते हैं और मैं इस तरह शेप दे रही हूँ। ये देखिए और मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि ऑयली ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, तो इसको मैं डीप फ्राई करने के बजाय शैलो फ्राई करूँगी। इस तरह गोला बना लें आप बॉल्स, साइज अपने अकॉर्डिंग ले लें आप, छोटा या बड़ा आपको किस टाइप का कबाब बनाना है। ये देखिए ये देखिए इस टाइप से सारे कबाब बना लें, तो ये मैंने बना के रखे हुए हैं, ये देखिए ये बना के रखे हैं। अब मैं चूल्हे की तरफ चल रही हूँ और वहाँ इसको सेक के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने नॉनस्टिक तवा चढ़ा रखा है यहाँ पर और अब इसे मैं ऑयल स्प्रेड करूँगी, वेजिटेबल ऑयल है सिंपल, और इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी, शैलो फ्राई करूँगी इसको मैं। इस तरह स्प्रेड कर दिया मैंने और अब ये जो मैंने सोया कबाब बनाए हैं ये सारे लगा दूंगी मैं। ये देखिए और इसको सेकना है, इसको शैलो फ्राई करना है, तो दिखाती हूँ मैं आपको।
ये देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारे सोया कबाब, बिल्कुल सीख चुके हैं परफेक्टली। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी, तो आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, सोया कबाब बनके तैयार हैं। आज की मेरी रेसिपी थी सोया कबाब, शाम की चाय के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी 10 मिनट बनके तैयार हो जाते हैं। और जो भी वेजिटेबल आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल के आप इसको बना लें। मेरा पूरा वीडियो फुल वॉच करें, इस टाइप को फॉलो करें। और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया, डीप फ्राई भी कर लेते हैं और बट मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई किया है। और आप देखें, बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसे लगे आपको। अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन आता है छोटी सी घंटी, उसको भी आप ज़रूर पुश करें ताकि मेरा जो भी रेसिपी चैनल पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, और अगली रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।